हाय फ्रेंड्स, प्रगति फर्स्ट कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत का काल है 1206 से 1526 ईस्वी तक का है। और इसमें इस सल्तनत के तहत जो है सबसे पहले जो है गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना जो है हुई थी। सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुआ था और जो है गुलाम वंश इसको जो है मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं और इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऐबक को जो है भारत में तुर्की राज का भी संस्थापक माना जाता है, भारत में माना जाता है। भारत में ऐबक को तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद जो है ऐबक, ऐबक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था, 1206 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लाखों का दान ही देता था ऐबक जो है, लाखों लाख दान करता था। लाखों का दान देने के कारण जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम दिया गया, यानी लाख बख्श जो है कहा जाता है। आता है क्वेश्चन कि लाख बख्श जो है किस शासक को कहा जाता है, तो लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऐबक जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि सूफी संत थे। आप लोग सूफी संत में पढ़े होंगे कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है वही जो है दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार जो है बनवाया था। मतलब बनवाने का मेन कार्य आरंभ किया था, लेकिन पूरे कार्य को जो है ये पूरा नहीं कर पाया था। तो ये बनाने का कार्य जो पूरा करवाया वो कौन था? इल्तुतमिश। यानी कुतुब मीनार को निर्माण करने का श्रेय जाता है इसको, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश, ये पूरा कार्य नहीं करवा पाया। ऐबक जो है ढाई दिन का झोपड़ा, ढाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया, ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। और ये ढाई दिन का झोपड़ा जो है ना, ये मस्जिद कहाँ है? अजमेर में। यानी अजमेर में जो है ढाई दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद जो है बनवाया गया। अब बनवाया था कौन? यही बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। उसके बाद जो है ऐबक 1210 ईस्वी में ही जो है ऐबक का जो है मृत्यु हो जाता है। मृत्यु कैसे होता है? तो चौगान खेल है जिसको पोलो भी बोला जाता है, तो चौगान खेलते हुए जो है क्या होता है कि घोड़े पर से गिर जाता है, और घोड़े पर से गिरने के बाद जो है ऐबक का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? वो मृत्यु हुआ था लाहौर में, लाहौर में इसका मृत्यु हो गया। उसके बाद जो है जब ऐबक का मृत्यु हो गया, ऐबक के मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र, यानी उसका पुत्र का नाम था आराम शाह, उसका पुत्र आराम शाह जो है लाहौर के गद्दी संभालता है। लेकिन लाहौर के गद्दी संभालने के बाद क्या होता है कि इसका जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है उसको हटा देता है, उसको गद्दी पर से इल्तुतमिश अपदस्थ कर देता है और सिंहासन पर जो अधिकार कर लेता है वो इल्तुतमिश कर लेता है। तो ये इसके बाद जो है मतलब इल्तुतमिश का जो मतलब कार्य आएगा, इल्तुतमिश जो है गद्दी पर जब अधिकार कर लिया, गद्दी पर आ गया, वो किस तरह के कार्य किया है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अधिक से अधिक वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना अधिक से अधिक हो आप लोग जो है सपोर्ट करिए।